परमेश्वर जो चीजें हैं ही नहीं उनको इस प्रकार बुलाते हैं जैसे वो हो, और यही चीज हमको भी करना है। इसका हम एक फाइन एग्जांपल बता सकते हैं कि परमेश्वर ने जब दुनिया को देखा, हम ये उत्पत्ति में पढ़ते हैं सबसे पहले वचनों में, पूरा अंधकार था, पूरा सूनापन था, लेकिन उन्होंने उसको देखे ये नहीं कहा कि अंधकार सूनापन, ऐसे नहीं कहा जो था उसको उन्होंने बोला नहीं मुंह से, लेकिन जो उन वो लाना चाहते थे उसको उन्होंने कहा उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात है कि पवित्र आत्मा वो अंधेरे के ऊपर, सूनापन के ऊपर, पवित्र आत्मा ऑलरेडी वहाँ पे थे, वो मंडरा रहे थे, लेकिन जब तक वो वचन रिलीज नहीं हुआ कि रोशनी हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। आपके जिंदगी में भी यही है, जैसा भी सूनापन हो, जैसा भी अंधकार हो, जैसा भी परिस्थिति हो, शैतान का काम चल रहा हो, जो भी हो, आपका आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहाँ पे है वहाँ पे। आप शायद सोच रहे होंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है तो वहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वो होगा जब आप अपना मुंह खोल के डिक्लेयर करेंगे, मतलब विश्वास से घोषणा करेंगे परमेश्वर के वचन का घोषणा करेंगे, तब पवित्र आत्मा वहाँ पे, पवित्र आत्मा का काम वहाँ पे प्रकट होगा। आपकी परिस्थिति भले कुछ क्यों ना हो, वहाँ पे पवित्र आत्मा का काम प्रकट होगा जब आप अपने शब्दों से पावर को रिलीज करेंगे। ये एक आत्मिक नियम है कि पहले हमें दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से बोलना है। रोमियो में है और हमारा उद्धार भी ऐसे ही हुआ है कि हमने जो दिल में विश्वास किया उसको हमने बोला और वो हमारे जीवन में एक सच्चाई हो गई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वो एक बूढ़ा हो गया था, कोई आशा ही नहीं था, आशा रहे परिस्थिति में परमेश्वर ने एक वचन बोल दिया कि जातियों का पिता ठहराया है, मैं ऑलरेडी बुलाया है कि जातियों का पिता, उसका नाम भी बदल दिया अब्राम से लेके अब्राहम, जो है जातियों का पिता। तो परमेश्वर बोलते हैं और वो हो जाता है। हमको भी बोलना है, जो परिस्थिति है उसमें हमको जो हम चाहते हैं उसको हमको बोलना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि चर्च में ना बहुत लोग इसी जगह मिस कर देते हैं, क्योंकि हम सब लोग जैसे संडे हम जाते हैं, पास्टर वचन बोलते हैं, हमें वचन हमारे दिल में, एक चीज है वचन को हमारे दिल में बोना और उसका दूसरा स्टेप है उसी वचन को आप लेके हमारे दिल से लेके परिस्थितियों में बोना। बहुत लोगों के मन में वचन तो बोया जाता है क्योंकि चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं तो पता होता है और विश्वास भी करते हैं, वचन पे विश्वास भी करते हैं, पर इसी चीज में चूक जाते हैं कि विश्वास करते हैं पर बोलते नहीं हैं। हम भले ही विश्वास करें, जब तक हम उसको परिस्थिति में रिलीज नहीं करेंगे बोल के, तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे दिल में ही रह जाएगा। मैं एक आंटी का के घर गई थी, तो उनकी जो बेटी है वो जवान है, तो वो आंटी, मतलब जवान बच्चे कैसे होते हैं, कॉलेज में वो पढ़ती थी, तो वो आंटी उससे बहुत परेशान थी, क्योंकि उसको ऐसे वो बोलती रहती थी कि वो कभी, मतलब अपना कमरा साफ नहीं रखती है, ऐसी चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक देती है, खाने टाइम पे खाने नहीं आती है, खाना ठीक से खाती नहीं है, मतलब चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक देती है। तो मैं थोड़े दिन तक उनके घर में थी, तो वो आंटी हमेशा, मतलब वो साफ करती रहती थी, जो भी टॉवल वगैरह पड़ा रहता था उसको वो रखती थी, और बोलते रहती थी कि ओ कभी नहीं रखती, कभी साफ नहीं करती, ऐसे ही फेंक के चली जाती है, ऐसी कुछ भी अपनी जगह पे नहीं रखती, खाती ही नहीं है, बुलाने से भी आती ही नहीं है, और जो हर दिन, और जो भी वो आंटी बोल रही थी ना, एक्चुअली वो लड़की कर रही थी, जो भी, मतलब वो आंटी बोल रही थी वो एक्चुअली सच था।
और ये आंटी भी बोलती रहती थी कि वो कभी नहीं करेगी, कभी नहीं सुनेगी, बात कभी नहीं सुनती। तो मैंने कुछ दिनों तक मैंने कुछ नहीं बोला, फिर वो आंटी से ये बातों को बोलने लगी। और मैंने कहा कि आंटी देखिए, आप अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना कि कभी नहीं रखती, कभी कपड़ों को नहीं रखती, तो वही होगा। शायद वो सुधर जाए, पर उसके लिए टाइम लगेगा। मतलब क्योंकि वो आंटी प्रार्थना तो कर रही थी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मसीह लोग क्या करते हैं ना, वो प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर चेंज हो, चेंज हो, लेकिन बोलते रहते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा ही नहीं। तो प्रार्थना में जो हम बोलते हैं और जीवन में जो हम बोलते हैं, उसमें एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। जैसे मार्क में लिखा है ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बिलीव वी रिसीव, मतलब हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमको उस चीज को दे दिया है जो हमने मांगा है। अभी हम प्रार्थना, ठीक है, हमने कर लिया और हमने हमने विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमें दे दिया, और हमने बोला कि थैंक यू, एंड हम लोग फिर अपने जीवन में हम डे टू डे एक्टिविटीज में लग गए। पर अगर हम अपने आप को एक बार अगर हम सुनेंगे ना कि हमने अगर विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमें दे दिया है, पर दूसरे ही दिन अगर हम जाके बोलते हैं कि नहीं है, नहीं है, कमी है, इसका मतलब आपने सही में विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। तो वही मैं कह रही थी कि आपको बोलना चाहिए कि बहुत बात मानती है, हर जगह पे रखती है, ठीक से चीजों को रखती है, वो अच्छी तरह खाती है। मतलब जो आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज को आप बोलते रहेंगे, कुछ आप बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे कि वो बात मानती है, अपनी चीजों को रखती है ठीक, अपने कमरे को वो साफ रखती है, ये सब आप बोलते रहेंगे तो आपका जो आप बोल रहे हैं वो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगा। हम वो वचन पढ़ लेते हैं जो अभी तुमने बताया, मार्क 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको समझना है कि हमको मिल गया है, हमको बातें इस प्रकार ही करना है जैसे हमको मिल गया है। हम अगर बताते रहेंगे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो प्रभु का पावर वहाँ पे कार्य प्रकट नहीं हो पाएगा। पर हमको ये बोलना है कि हमको मिल गया है, तो एक बात अभी हमने किया नहीं है, क्योंकि ये एक आत्मिक सच्चाई है। हमने जब यीशु मसीह से कुछ मांगा तो हमें मिल गया है वो। हम भले ही उसको देख नहीं पा रहे होंगे अभी, पर जैसे आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप इब्रानियों में लिखा है कि अभी हम एकदम बोल्डली, मतलब एकदम निडर होके, डर के बिना हम कृपासन के पास हम थ्रोन ऑफ ग्रेस, यानी परमेश्वर पिता का जो सिंहासन है उसके पास हम एकदम निडर होके जा सकते हैं, उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि अभी हम यीशु मसीह में हैं। और हमें, हम जो भी मांगते हैं उनके वचन के अनुसार, पिता परमेश्वर हमको, जैसे यीशु मसीह को वो मना नहीं करते कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं, ना नहीं बोलेंगे, ऐसे ही वो हमको भी ना नहीं बोलेंगे। इसीलिए अगर हम उनके सिंहासन के पास जाते हैं और कुछ मांगते हैं कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो वो डिले नहीं करते, वो उसी समय हमें दे देते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन है, यानी आत्मिक दुनिया में ये हो चुका है, उन्होंने हमें दे दिया है। और उस एक इमेज को हमें हमारे माइंड में रखना है विश्वास से कि उन्होंने हमें दे दिया है। उसके बाद अगर हम ये बोलेंगे कि क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसका मतलब आपने विश्वास नहीं किया। और प्रेयर्स भी कैंसिल हो सकते हैं उस प्रकार। एक बात हमने किया कि चीजों को बुलाना, और हम अपने जीभ के सामर्थ्य से चीजों को हमारी जिंदगी से हटा सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ते हैं मार्क 11। एक्चुअली ठीक है, मैं ये बता देती हूँ पहले कि क्या सेटिंग था। इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को विश्वास के बारे में सिखाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक पेड़ को यीशु मसीह देखते हैं और उससे बात करते हैं।
हम अब वो पढ़ लेते हैं। आजकल कोई ये देखेगा तो सोचेंगे कि ये पागल है क्या। बट यीशु मसीह ने भी वही किया था, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं मार्क 11 का 13 और 14। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। परमेश्वर एक्चुअली इस पेड़ पे गुस्सा नहीं थे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उस पेड़ मतलब हमको दर्शाता, अगर हम फल नहीं देंगे तो यीशु मसीह हमको श्राप दे देंगे। नहीं 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 ओके, ये यीशु मसीह एक लेसन सिखा रहे थे। और ये हमको कैसे पता है, यीशु मसीह ये एक विश्वास का लेसन, एक फेथ लेसन अपने चेलों को सिखा रहे थे। हम ये पढ़ते हैं कि बाद में क्या होता है, दूसरे दिन वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं उसी पेड़ को। 20-21 से पढ़ो। फिर बोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पत्रस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो पत्रस ने देखा कि देखो देखो सूख गया है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो लेसन को बताते हैं कि क्या वो इससे बताना चाह रहे हैं। वो आगे पढ़ो, 23 और 24 हमने पढ़ लिया, 23 पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अभी पहले एक पेड़ को यीशु मसीह ने बोला कि तुमसे कोई खाएगा नहीं, तो वो सूख गया। अभी यीशु मसीह एक पहाड़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि वो पेड़ के विरोध में उनका कुछ नहीं था। पहाड़ पेड़ ये सब वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में जब है, एक पहाड़ जैसी परिस्थिति है, उससे तुमको जो भी कहे। और अगर हम डिटेल में वो वर्स को देखेंगे तो विश्वास करना वो एक बार वहाँ पे बताया गया, लेकिन बोलना जो भी कहे जो भी कहे जो भी कहे ऐसे तीन बार वहाँ पे है, कहने की वहाँ पे बात हो रही है। जो भी कहता है वो हो जाएगा, जो वो 24th में है। लेकिन आदेश पहाड़ को देख के आदेश देने की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि जो भी परमेश्वर पिता को देख के कहे कि परमेश्वर इस पहाड़ को हटाइए, अगर आप ऐसे करेंगे तो भी परमेश्वर हटाएंगे। लेकिन परमेश्वर कुछ परिस्थितियों में वो हटाएंगे, मतलब वो किसी और को यूज करके उसको हटा सकते हैं। जैसे हम परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर इस पहाड़ को हटा दीजिए, परमेश्वर इंसानों को छोड़कर इस पृथ्वी का, क्योंकि अधिकार इंसान को ही दिया हुआ है, और उद्धार करने इसीलिए तो यीशु मसीह को इंसान बनना भी इसीलिए जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारे शब्दों में अधिकार है और इंसान को इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। इसलिए हम भले ही कितना भी हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर प्लीज आप इस प्रॉब्लम को हटा दीजिए, वो किसी हो सकता है कि अनुग्रह के कारण वो किसी और के मुंह के वचनों को यूज करके उस पहाड़ को हटा दें, पर डायरेक्टली वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अधिकार आपको दिया है। आपके पहाड़ को देख के कहना है कि हट जाओ। और हम एक्चुअली देखते हैं कि वो वचन हमने पहले भी बोला था, मैथ्यू 17 में भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि छोटा राय के दाने जैसा विश्वास हो तो भी कहना है कि वो कहेगा कि तुम जाके हट जाओ। वो वहां पे भी आदेश की बात कर रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं, मुंह के वचनों से कहने की वो बात कर रहे हैं।
और ऐसे करने से जो भी वो चीज़ है उसको हम वो हट सकता है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पतरस के जो सांस जब बीमार होती हैं तो उनको मिलने जाते हैं, तो वो आदेश देते हैं बीमारी को, वो आदेश देते हैं उस बुखार को। वो उसमें एक्चुअली लिखा है कि उन्होंने बुखार को डांटा और वो चला गया। बीमारी को आप आदेश दे सकते हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी आप आदेश दे सकते हैं। दूसरों के शरीर में बीमारी है तो आप उसको बोल सकते हैं कि तुम निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। एक्चुअली जब हमने भी इसको शुरू शुरू में जब करना स्टार्ट किया तब शुरुआत में बहुत अजीब लगता है कि पेड़ों से बात करना, पहाड़ों से बात करना, क्योंकि दुनिया तो यही बोलेगी कि ये क्या पागलपंती है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुत्तों से बात करने में फिर भी लगता है कि ओके एक सेंस है क्योंकि वो एक जिंदा जानवर है, वो समझ सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं, पर पेड़ से कौन बात करता है। पर हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर के पुत्र थे, जो परमेश्वर खुद थे, परमेश्वर का जब ये तरीका है तो उसमें कोई पागलपंती नहीं है। और पौलुस एक जगह कहते भी हैं कि जो क्रूस का जो ये संदेश है वो जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और पागलपंती है, पर वो परमेश्वर का विजडम है, उनका ज्ञान है। तो हमारी परिस्थिति के सामने भले ही कुछ लोग, जैसे हमने ये भी गवाहियां सुनी है, कुछ लोगों के चेकबुक में हमेशा या बैंक अकाउंट में हमेशा पैसा नहीं रहता था, कुछ पैसा ही नहीं रहता था, तो लोग क्या बैंक अकाउंट से, देखिए पहाड़ मतलब असली पहाड़ नहीं है, पहाड़ मतलब हो सकता है कि बीमारी है या कोई भी कमी है, उस कमी को देख के हमें परमेश्वर को नहीं बोलना उस कमी को हटाने के लिए, पर उन्होंने यहाँ क्या बोला कि पहाड़ को बोलो कि हट जा और समुद्र में जाके गिर जा। तो हमें हमारे प्रॉब्लम से, यीशु मसीह के नाम से प्रॉब्लम से बातें करना है, प्रॉब्लम को डांटना है कभी भी उस, और हम लोग जैसे कोई कह सकता है कि ये तो पागलपंती है, पर प्रॉब्लम जो है वो हमसे तो खूब खूब बातें करता है। जब बीमारी होती है इतना शरीर दर्द करता है तो वो बहुत बातें करता है, माइंड में यही आवाज़ आता है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं होगा, या अगर पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है, हमसे बात करती है क्योंकि तो हमें हमारी परिस्थितियों को बात से वापस बात करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मुझे पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, आई थिंक होगा, वो जो पेड़ को देखते हैं यीशु मसीह की उसमें नहीं है कोई फल, उसमें लिखा है कि he answered and said to it, यीशु मसीह ने उत्तर देके उस पेड़ को कहा, अगर तुमने मुझे कुछ कहा है तभी मैं उत्तर देके कुछ कहूंगी, तभी मैं आंसर देके कुछ कहूंगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो पेड़ ने भी कुछ कहा, मतलब परिस्थिति को देख के हमारे मन के अंदर आवाजें आती हैं, परिस्थितियां हमसे बातें करती हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि ये पागलपंती है, हम बुखार को क्या डांटे, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता है बुखार को डांटना या गार्डन में पेड़ों को बोलना कि फूलो फलो, पर एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च ने भी ये तो प्रूव किया है कि जब हम पौधों से, ये तो साइंटिफिक रिसर्च भी है कि पौधों से कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो वो ज़्यादा, पर वो परमेश्वर का ही प्रिंसिपल है कि हमें इन सब चीज़ों से बातें करना है, परमेश्वर का वचन हमारे परिस्थिति को देख के बोलना है और वो हो जाएगा। और हमें ये ज़रूरत नहीं समझने की कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता कि बीज कैसे उगता है, पर हम बोते तो हैं ना। ऐसे ही इसमें डाउट नहीं करना, उन्होंने यहाँ पर लिखा है ना कि जो अगर तुम संदेह नहीं करोगे तो तुम जो बोलोगे वो, अगर तुम संदेह नहीं करोगे कि ये हो जाएगा तो वो पक्का तुम्हें मिल जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कभी कि लोगों को अपने बच्चों को भी आशीष करना चाहिए, जो भी आपके परिवार वालों को भी आपको आशीष करना चाहिए कि तुमसे अच्छा होगा, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। और
हम एक्चुअली देखते हैं कि अगर परमेश्वर को हमको खुश करना है तो इसके बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम याकूब के पत्र में एक्चुअली पढ़ते हैं कि जेम्स 1:26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अपनी जीभ पे लगाम ना दे, मतलब अगर कोई कह रहे हैं कि मैं बहुत भक्त हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो तो ऐसे ही मैं इमोशनल होके मैं बोल, ये कई लोगों का ये फेवरेट है कि वो मैं तो बस इमोशनल होके मैंने सब कुछ बोल दिया, तो उसकी भक्ति क्या है, एकदम व्यर्थ है। वो परमेश्वर के सामने वो सच्चा भक्ति नहीं है, क्योंकि फल नहीं ला पाएगा, फल नहीं ला पाएगा। और एक भी याकूब कहते हैं, जेम्स का 3:2 पढ़ो, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। याकूब को सच में बहुत अंडरस्टैंडिंग था जीभ के बारे में, और हम आगे पढ़ते हैं तो कहीं तुलनाएं याकूब करते हैं। एक्चुअली आज के दिन में जो यहूदी लोग हैं ना, वो इस चीज को समझते हैं, वो कभी अपने बच्चों को नालायक नहीं बोलते और उनके जो भी त्योहार है ना उस पर बहुत सारी आशीषें होती हैं और वो सिर्फ आशीष के बोलते शब्द ही वो बोलते हैं। और हम देख आज के दिन में भी हम देखते हैं कि जो यहूदी समाज है वो लोग काफी, वो लोग एक बहुत छोटे से लोग हैं पर फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं। वो इसी सब के कारण है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि मेरे बच्चे नालायक होंगे वो हमेशा आशीष ही देते हैं, आशीष के ही शब्द बोलते हैं, इसलिए वो आशीषित रहते भी हैं। एक्चुअली एक प्रचार में सुन रही थी, तो वो लेडी जो है वो जो प्रचार कर रही थी वो एक्चुअली इसराइल में गई थी, तो एक दिन वो लोग बैठ के एक जोश घर पे वो गई थी, तो वहां पे वो बैठ के खाना भोजन करने वाले थे, तो टेबल में कई लोग बैठे थे, तो वो कहने लगी कि क्या हुआ ना कि कोई एक प्लेट पे लेके आए एक मछली का सर लेके आए, मतलब मछली बनाया था उन्होंने फिश, उसका हेड एक छोटा सा प्लेट पे वहां पे था, और एक एक करके वो पास करते रहे वो प्लेट जिसमें वो मछली का हेड था, और वो एक जिसके पास भी आता था वो ऐसे बोलते थे कि आई शैल बी द हेड नॉट द टेल, मैं स्पूंज नहीं सिर बनूंगा, जो बाइबल में हम देखते हैं हर किसी ने वो पकड़ के कहा कि मैं पूंछ नहीं मैं सिर बनूंगा। और ये जो है एक्चुअली मूर्खता, सबको याद आएगा, याद भी रहेगा, ये तो मूर्खता नहीं, क्योंकि आप जब कोई वो कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, मुंह के शब्द जो है वो बहुत जरूरी है हमको कुछ भी कभी हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम याकूब कुछ तुलनाएं करते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, जेम्स 3:2, 3 और 4, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार से के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज की बात कर रहा हूँ, घोड़े की बात कर रहा है, जहाज में वो कह रहे हैं कि पतवार, एक छोटा सा रडर है उससे वो पूरा बड़ा जहाज का डायरेक्शन जो है घूम जाता है, और वो ही हमारा जीभ है। एक्चुअली जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी बातों को समझ रहे हैं, उनको बहुत खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में इतना एक बड़ा सामर्थ दिया है जो हमारे वचनों के द्वारा हम अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। हमारे वचन कैसे हैं, वो रडर जैसे हैं कि उसके हमारे वचनों के जो शब्द हैं, हमारे मुंह के जो शब्द हैं, उससे हम बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और मृत्यु को भी हम बुला सकते हैं। उसका हम एक फाइन एग्जांपल आई थिंक देख सकते हैं कि जो इज़राइल की जनता थी, जो मिस्र में से परमेश्वर उनको छुड़ा के लेके आए थे,
उनके बारे में हम देखते हैं कि उनका एक बहुत सैड स्टोरी हम वहाँ पे देखते हैं कि पहले हम एक्चुअली देख सकते हैं उस कहानी में कि वो जो रेड सी जो लाल समुंदर में तब फिरौन उनका पीछा करता है, फिर वो फंस जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, वो ये कहने लगते हैं, वो ये विश्वास के वचन नहीं बोलते हैं लेकिन वो ये कहने लगते हैं कि काश हम मर गए होते वो हम वो ऐसे बोलने लगता हूँ, फिर भी हम फिर आगे भी हम देखते हैं। एक्चुअली वो उन मूसा के विश्वास के कारण ही वो लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनके मुंह से ऐसे ही वचन निकलते थे और वो विश्वास भी कुछ करते नहीं थे, पर मूसा के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। हाँ। और हम आगे उसको भी हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ लेते हैं हम, नंबर्स 14:2, गिनती 14:2। और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। हम कहते हैं कि कई बार लाल समुंदर में भी उन्होंने कहा और बीच बीच में जब भी वो कंप्लेन करने लगते थे कि काश हम मर जाते, काश हम मर जाते, काश हम मर जाते, काश हम मर जाते, फिर हम देखते हैं कि एक दिन आता है जब परमेश्वर एक घोषणा करते हैं, उसको हम देखते हैं कि परमेश्वर आके कुछ कहते हैं, वो भी उसी इसमें है 14 में। परमेश्वर बेसिकली कहते हैं कि तुमने तुम्हारी चीज़ों को मैंने देख लिया, तुम्हारे अविश्वास और तुम कैसे हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, और इसके कारण तुम में से कोई भी दो लोगों को छोड़ के जिन्होंने विश्वास के वचन बोला, जोशुआ और कालेब, उन दोनों को छोड़ के कोई भी उस वादा किए हुए देश में तुम प्रवेश नहीं करोगे, तुम सबके सब मर जाओगे यहीं पे, जो रेगिस्तान में जैसे तुमने कहा वैसे ही हुआ। क्यों मरे? क्योंकि उन्होंने बोला कि काश हम मर जाते और उसी प्रकार वो मर गए। आज के दिन में हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर हमको दंड नहीं देंगे क्योंकि हम क्रूस के इस तरफ नए नियम में रहते हैं, पर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। उस समय जैसे ये जो वादा किया वो जो कानान देश है वो हमारे लिए क्या है, जो भी परमेश्वर के वादे जो हम दिए गए हैं हमारे लिए वही कानान देश है। हम अगर अविश्वास करेंगे तो हम उन परमेश्वर ने, तो हम इसमें भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ होने से पहले ही उनको बोल दिया था कि ये देश मैंने तुमको दे दिया है। ऐसे आज के दिन में भी चंगाई जो भी आशीष है परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिया है, पर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हम अविश्वास करते रहे और अविश्वास के वचन बोलते रहे। तो भले ही परमेश्वर ने हमें दे दिया है, हम उस कानान देश यानी हमारे आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमने बोला वही आज के दिन में भी हमें मिलता है। सुलेमान जो सबसे ज्ञानी था उसको भी ये बात पता था, क्योंकि नीति वचन में कई वचनों को देखते हैं कि जिसमें मुंह के वचन के बारे में किया लिखा है कि जब ज्यादा वचन निकलते हैं तो उसमें पाप रहता है, ऐसा एक वचन, कई सारे वचन हैं जो हमको समझाते हैं कि हमारा वचन जो है वो परमेश्वर उसको बहुत ध्यान से देखता है, शैतान उसको बहुत ध्यान से देखता है। और एक बात एक्चुअली रह गई जो हम बोल सकते हैं, दूसरे लोगों के वचन भी हमारे ऊपर वो भी एक बीज है जो हम सुनते हैं, जैसे मैंने कहा टीवी में सुनते हैं, वो भी एक बीज है जो जब भी आप कुछ खिलाफ में मृत्यु की बातें शैतान की बातें सुनते हैं तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको उसको उखाड़ फेंकना है, वो बीज को अविश्वास के बीज को उखाड़ फेंकना है। और वो भी हम कैसे करते हैं, वचनों के द्वारा, क्योंकि अगर वो हमारे अंदर आ जाते हैं तो फिर उसी को सोच सोच के हमारे मन के अंदर अविश्वास बढ़ने लगता है और फिर वो हमारे जो भी फल है उसको अफेक्ट करता है। हम विश्वास के वचनों को बोलते रहेंगे, दूसरे अविश्वास
की जो बातें हैं उसको हम उखाड़ते रहेंगे, जीवन की बातों को बोलते रहेंगे, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा जीवन है जैसे उसमें लिखा है कि अच्छे दिन हम देख पाएंगे। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं पिता, ये जो वचन दिया है तूने हमको, हम धन्यवाद देते हैं। इस सच्चाइयों को सीखने के लिए कृपा दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो जीवन और मृत्यु हमारे मुंह में है, हमारे जीव के वश में सब कुछ है पिता, हम इस बात को समझें। जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, इस बात को वो समझें पिता, इसका प्रकटीकरण हर किसी के अंदर हो कि हमारे मुंह के जो शब्द हैं उसमें कितना सामर्थ्य है, उसमें मृत्यु का सामर्थ्य, उसमें जीवन का सामर्थ्य, और हम चुन सकते हैं पिता तेरे वचनों को हम बोलें, जीवन के वचनों को हम अपनी परिस्थितियों में घोषणा करें, चंगाई को हम घोषणा करें, हम प्रेम की घोषणा करें पिता, तेरे जो अनुग्रह की घोषणा करें, सब मृत्यु का सामर्थ, शैतान का सामर्थ यीशु मसीह के नाम से हट जाए, वो शैतान का जो भी योजना है वो नासफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो योजना चूर चूर हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह को तूने हमको दिया है, तूने हमको सब कुछ दिया है, मसीह ने हमको सब कुछ दिया है, हमको विश्वास दिया है, प्रेम दिया है, इस खजाने में से हम अच्छी बातों को बोलते रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। देखने के लिए धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करें।